नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। केंद्रीय मंत्री और एनजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पांच उंगलियों के साथ एक मुट्ठी बनाए थे। वो थे शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा, वीना देवी और अरुण भारती। देखिए किस तरीके से उनके पांचों के पांचों सांसद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे बात हो शांभवी चौधरी की या राजेश वर्मा की या फिर अरुण भारती की या वीना देवी की। खुद चिराग पासवान भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा के बारे में। देखिए, राजेश वर्मा की लगातार हम आपको अपडेट्स देते आ रहे हैं किस तरीके से पहले उन्हें जनता ने चुना, अब वो जनता की समस्याओं को चुन रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हक को समझा, कहीं ना कहीं अपने कार्य को वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जनता ने उन्हें चुना है, कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें चुना है तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जनता के हित में कार्य करें। ऐसे में हम आपको बता दें कि राजेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है और वो भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। आपको बता दें कि राजेश वर्मा ने दो ऐसे नंबर भी डाले हैं जिसको 24 घंटे कभी भी वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, अपने समस्याओं को बता सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि साल में पूरे दिन और दिन में 24 घंटे वो अपने क्षेत्र वासियों के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। आपको हम पढ़कर सुनाते हैं क्या कुछ लिखा है राजेश वर्मा ने। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र वासियों के आमजनों की समस्या का सुलभ समाधान सुनिश्चित हो, इसको लेकर आज जन समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जा रही है। जन समस्या समाधान हेल्पलाइन नंबर, अब आम जन 24/7 किसी भी समय इस नंबर के माध्यम से कॉल कर अपनी किसी भी समस्या से हमें अवगत करा सकेंगे और उन समस्याओं को लेकर यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा थोड़ी सी भी कंजूसाई नहीं कर रहे अपने कार्य को पूरा करने में। लगातार वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जनकल्याणकारी योजनाओं को संबोधित कर रहे हैं और अब तो ऐसा हो गया कि वो एक सेकेंड का भी रेस्ट नहीं लेने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो टोल फ्री नंबर है वो 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला है वहाँ के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए, जिस तरीके से पूरा निष्ठापूर्वक वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने क्षेत्र वासियों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये काम उनका ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि जनता ने उन्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।